अस्सलाम वालेकुम। तो अब जो है हम लोग ताइफ़ से निकल चुके हैं और ताइफ़ से पूरा 1 घंटा लगता है। और ये रहा मक्का का चेक पॉइंट। मक्का के चेक पॉइंट पे है हम लोग और अंदर अब दाखिल हो गए हैं। अब हमें 15 से 20 मिनट लगेंगे होटल पहुंचने, सारा सामान वगैरह रखना है और फिर माशाल्लाह से उम्रा के लिए निकल जाएंगे। और ये देखिए क्लॉक टावर नज़र आ रही है और होटल से जो है ना वो बहुत करीब है, तो बस हमें सामान वगैरह रखना है क्योंकि सारा सामान साथ में है। और फिर हम लोग जो है वो होटल से ही मक्का में जाएंगे। और ये देखिए मक्का हम लोग पहुँच चुके हैं। तो ये है होटल की लॉबी और इसमें हम लोग बैठे हैं। रूम का इंतज़ार हो रहा है, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा तो वो लोग जो है ना रूम की की दे देंगे। फिर हम लोग ऊपर जाएंगे, सामान वगैरह रखेंगे, वजू वगैरह करेंगे और फिर हम लोग मक्का के लिए निकल जाएंगे। मक्का इस वक्त बहुत ही करीब है, मतलब कि 10 मिनट का रास्ता है और इंशाल्लाह से मक्का हम लोग पहुँच जाएंगे। तो देखिए सामान वगैरह हम लोगों ने ऊपर रख दिया और जल्द से जल्द जो है ना वो नीचे आ गए क्योंकि मगरिब को अभी थोड़ा ही वक्त था। जैसे ही मगरिब की अज़ान हो जाएगी हमें अंदर भी दाखिल नहीं होने देंगे क्योंकि नमाज के लिए जो है ना सभी को खड़ा होना होता है। और इस वक्त जो है वो चेकिंग बहुत हो रही थी, जिनका अपॉइंटमेंट था वो ही अंदर जा सकते थे। हम लोगों का भी अपॉइंटमेंट हम लोगों ने लिया था 4 से 6 के बीच में। अगर आप अंदर चले गए तो फिर आपने कितना भी देर रुक के बाहर आ सकते थे। और जिन्होंने एहराम नहीं बांधा था जेंट्स ने, वो उन्हें अंदर मक्का तक जाने नहीं दे रहे थे, मतलब कि तवाफ़ वगैरह करने नहीं दे रहे थे। जिन्होंने एहराम पहना था वो ही अंदर जा सकते थे, मतलब काबा तक जा सकते थे और जो है वो तवाफ़ कर सकते थे। बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रही थी, हम लोगों ने जो है वो अपना अपॉइंटमेंट बताया और अंदर दाखिल हो गए। बहुत से लोगों के पास नहीं था तो वो लोग जो है जाने नहीं दे रहे थे। वैसे ही हुआ, अज़ान का टाइम करीब आया तो हम लोग यहीं पर। तो देखिए यहाँ पर ना इस वक्त अज़ान हो रही है माशाल्लाह से। मैंने पहला वाला वीडियो जो है ना अज़ान को लेकर डिलीट किया है क्योंकि मेरे ख़्याल में कॉपीराइट आ जाएगा, तो बस इसलिए मैं इसे फिर से अपलोड कर रही हूँ। अज़ान ख़त्म होते ही हमने जमात खड़ी हो जाएगी क्योंकि मगरिब की अज़ान को जो है ना ज़्यादा वक्त नहीं होता है। फ़ौरन से नमाज़ अदा करके हमें तवाफ़ के लिए जाना है क्योंकि माशाल्लाह से रश बहुत है। जितना ज़्यादा हम इसको लेट करेंगे उतना ही ज़्यादा रश बढ़ जाएगा। तो हमें फ़ौरन से बच्चों को लेकर अंदर जाना है और तवाफ़ शुरू कर देना है। तो मैं ये वीडियो जो है ना फिर से अपलोड कर रही हूँ। आप लोग इसको फिर से उतना ही ज़्यादा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना भी ना भूलिए। नमाज के बाद हम लोगों ने तवाफ शुरू कर दिया और माशाल्लाह से ये पहला चक्कर था। अब हमें और 7 चक्कर लगाने हैं। तो देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है क्लॉक टावर। और देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है। अल्लाह
अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तवाफ़ के बाद हम लोग जो है वो सफ़ा मरवा पर आ गए। अब हमें यहाँ 7 चक्कर लगाने हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पर उमरा जो है वो पूरा हो गया है और सारे अरकान भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो गए हैं। अल्लाह ताला इसे कबूल करे और हर एक मुसलमानों को यहाँ पर आना नसीब करे और एक नहीं बार बार करे। और बस इसी के साथ जो है ना हम लोग होटल जाएंगे, खाना वगैरह खाएंगे और फजर और तहज्जुद की तैयारी करेंगे। आपसे फिर मिलेंगे। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।